दोस्तों आप लोग कोरोना वायरस की वजह से चिकन चिल्ली को मिस कर रहे हैं, तो चिकन चिल्ली तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है सोयाबीन चिल्ली। तो चलिए बनाते हैं। ये सोयाबीन है जिसे मैंने एक घंटे भिगो के रखा था, इसका पानी निचोड़ लिया है, स्वाद अनुसार नमक फूड कलर डाल देंगे, एक कटोरी कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और इसे मिला लेंगे, जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे, इसे 7 से 8 मिनट तक आपको डीप फ्राई कर लेंगे। गर्म तेल में अदरक लहसुन 2 चम्मच चॉप किए हुए 10 सेकंड तक पकाएंगे, फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, पत्ता गोभी डाल देंगे और 2 मिनट तक इसे टोस्ट करना है, पकाना है। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे, अजिनोमोटो डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, ग्रीन चिली सॉस 3 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, जिनका पनीर चिली मसाला मैंने 1 पैकेट पूरा डाल दिया है। अब हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें डाल देंगे जो फ्राई किए हुए जो सोयाबीन थे वो डाल देने हैं और इसे मिलाते हुए आपको 1 मिनट तक पकाना है। तैयार है हमारी सोयाबीन चिल्ली। Likey.